हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस फॉर सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट। मतलब एफ्लुएंट जो भी आता है आफ्टर ट्रीटमेंट इन सेप्टिक टैंक, उसको हमको डिस्चार्ज करना होता है आइदर इन सोप पिट और एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस। सो वी विल डिज़ाइन एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस। सो हियर उसमें जो भी सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट है वो एक पर्टिकुलर चैम्बर में आएगा। उसके बाद ये पोरस पाइप हमको डिज़ाइन करने हैं जिसके थ्रू ये पानी आपका अंडरग्राउंड में जाएगा। सो ये हुए सॉइल एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस। सो दिस इज द एग्जाम्पल। कैलकुलेट द बॉटम एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस फॉर अ सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट विद द मैक्सिमम डिस्चार्ज। मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज हमको दे दिया है 1 लीटर पर सेकेंड एंड स्टैंडर्ड परकोलेशन रेट, मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए 2 मिनट लगता है उसको परकोलेट होने में, वो दिया है। सो इन द सॉल्यूशन वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट कि हमारा जो क्यू है, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट, वो कितना आ रहा है। सो एज पर दिस IS 2470 Part 2, क्यू इज इक्वल टू 204/√T, जिसमें क्यू है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट अप्लाइड इन लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। एक दिन में कितना लीटर पानी पर स्क्वायर मीटर एरिया आ रहा है। एंड टी इज द स्टैंडर्ड परकुलेशन रेट मिनट पर सेंटीमीटर, जो हमको दिया गया है डेटा के अंदर। सो 204/√2, यू विल गेट दिस मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट 143 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। अभी हमारा मैक्सिमम एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो दिया गया है वो है 1 लीटर पर सेकेंड। सो एक सेकेंड में 1 लीटर पानी, सो हमको उसको पर डे में कन्वर्ट करना होगा। सो मल्टीप्लाई बाय 60, सो लीटर्स पर मिनट, देन आवर में कन्वर्ट कर, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 एंड हमको एक दिन में भी करना है कि कितना आ रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय 24, सो 3600 मल्टीप्लाई बाय 24, सो यू कैन कन्वर्ट लीटर पर सेकेंड इनटू लीटर्स पर डे। सो वी आर गेटिंग 86400 लीटर्स पर डे। सो हमारा जो एरिया है वो हमको मिलेगा मैक्सिमम एफ्लुएंट डिस्चार्ज, जो कितना एफ्लुएंट आ रहा है एक्चुअली, और जितना एफ्लुएंट डिस्चार्ज रेट है वो कितने रेट से उसको नीचे पानी में, सॉरी सॉइल में डाल रहा है, ग्राउंड में डाल रहा है। तो एफ्लुएंट डिस्चार्ज रेट हमने यहाँ पे निकाला है 143, मतलब इतने रेट से वो एफ्लुएंट सॉइल में डिस्चार्ज होगा, और ये हमारा एफ्लुएंट इज कमिंग फ्रॉम द सेप्टिक टैंक। सो दिस डिवाइड बाय दिस इट विल गिव यू एरिया, दैट इज 604 मीटर स्क्वायर। अभी हमने एज्यूम किया है कि भाई ट्रेंच का ब्रेथ हम 1 मीटर ले रहे हैं, तो हमारा ये सरफेस एरिया है, मतलब प्लान एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ वाला। सो लेंथ हमको मिलेगा 604/1, सो दैट इज 604। तो इतना बड़ा लेंथ तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, 604 मीटर का हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेंचेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कितने खड्डे करने हैं, 12 नंबर्स के। सो लेंथ ऑफ इच ट्रेंच, हमारा टोटल लेंथ कितना है 604/12, तो हमारा एक ट्रेंच का जो लेंथ है वो आएगा अराउंड 50.33, दैट इज से 51 मीटर। सो अल्टीमेटली वी हैव डिजाइन कि भाई 51 मीटर का लेंथ, 12 नंबर ऑफ ट्रेंचेस हैविंग विड्थ इज इक्वल टू 1 मीटर। सो ये अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो जो भी एफ्लुएंट आ रहा है फ्रॉम द सेप्टिक टैंक, दैट वी कैन डिस्चार्ज इन दिस बाय द पर्टिकुलर पोरस पाइप्स एंड दैट विल बी डिस्चार्ज इन अवर ग्राउंड। सो हियर दिस इज द अरेंजमेंट, सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर बनाया है, और यहाँ पे हमको कितने एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस प्रोवाइड करने हैं 12 नंबर के, और उसका साइज क्या है, उसका लेंथ हमने डिज़ाइन किया है 51 मीटर, देन उसका विड्थ जो है वो हमने डिज़ाइन किया है 1 मीटर का, और उसके बीच का जो गैप है वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं 1 या 2 मीटर। सो टोटल एरिया हमने जो प्रोवाइड किया है इट इज 6122 मीटर, 12 × 15/1, सो दिस इज मोर देन वॉट एवर वी हैव डिज़ाइन। सो दिस वे यू कैन डिज़ाइन दिस सॉइल एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस, एंड उसके अंदर पोरस पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू वेस्ट वाटर जो भी एफ्लुएंट है वो हमारा ग्राउंड के अंदर डिस्चार्ज होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस। सो थैंक यू वेरी मच। इफ आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें विथ अदर स्टूडेंट्स, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरी चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।